दोस्तों आज आपने सचिन भैया के लाइव टेलीकास्ट वीडियो को देखा होगा, जहां पर अपने ऊपर उठाए जा रहे सभी सवालों का जवाब देने के लिए वो YouTube पर लाइव आए थे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अधिकतर लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो नेहा दीदी के ब्लॉग में जो चीज़ें दिखाई गई है, जिस कंडीशंस को दिखाया गया है और ये जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन किए थे, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दर्शक और उन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आखिर किन चीज़ों को दर्शकों ने एक्सेप्ट नहीं किया और सचिन भैया कहाँ उलझते हुए नजर आए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले सचिन भैया के कुछ पॉजिटिव बात मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि खुश बहुत थे वो। हालांकि ये मैं मानता हूं कि सचिन भैया नेहा दीदी के सगाई से खुश होंगे, क्योंकि वो जा करके जबलपुर में दीपक प्रज्वलित किया। अब हम बात करते हैं आखिर सचिन भैया कहां उलझते हुए नजर आए, कहां फंसते हुए नजर आए। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, रियल में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने अगर सचिन भैया के लाइव वीडियो देखा है तो वो चीजें आप नहीं समझ पाए होंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन लाइव शुरू करने से पहले सचिन भैया को मैं आप अगर सचिन भैया आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन आपको बदनाम करने का नहीं है। बस आपके वीडियो से ही कुछ प्रश्न निकल कर सामने आ रहे हैं जो मैं आप पब्लिक को बता रहा हूं, और जो प्रश्न पब्लिक भी कहीं ना कहीं आपसे पूछना चाहती है। दोस्तों जो भी चीजें हैं उनको बताने से पहले मैं यहां पर आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि सारा आंसर यहीं से रिलेटेड है और सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने इसमें लिख रखा है वो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, आपका ध्यान इस वीडियो पे होना चाहिए। इस वीडियो में कहीं ना कहीं नेहा दीदी बैठ करके जा रही है सगाई वाले एरिया में, सामने उनके भैया भाभी भी हैं और वो वीडियो बना रहे, लेकिन आपको उन्हें नहीं देखना है। अब आप खिड़की से बाहर देखो, खिड़की से बाहर आप देख रहे हो कि जो गाड़ियाँ जो उनकी कार चल रही है, कार के खिड़की के बाहर बहुत सारी दुकानें बंद नजर आ रही है। पहला चीज नोटिस करना, बहुत सारी दुकानें बंद नजर आ रही है। बंद नजर होने का मतलब क्या हो गया, या तो वो 11 बजे के या 10 बजे के आसपास का समय है, या फिर 1 बजे के आसपास का समय है जब वो लोग खाने के लिए जाते हैं। ये कैसे प्रूफ होता है, अब देखो अगले वाले आप इस वीडियो को देखो, इसमें आप परछाई को देखना। परछाई ये जो है अभी के जो समय चल रहा है, ये जो सीजन है, इस सीजन के अकॉर्डिंग ये परछाई या तो सुबह 11 बजे बनेगी या तो दोपहर को 1 बजे के आसपास, 1 से 1.5 बजे के बीच में। ये परछाई का जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि नेहा दीदी जब पहुंची है अपने सगाई वाले जगह पर, या तो वो 11, 11:30 बजे पहुंची है, या तो पहुंची है 1 या 1.5 बजे, जो कि आप लोगों को पता है कि वो कब पहुंची है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया क्या कि दुकानें वगैरह बंद है, और दूसरी बात कि समय जो है या तो 11, 11:30 हो रहा है या फिर 1 बजे के आसपास का समय है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कहीं ना कहीं सचिन भैया ने कहा है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, तो बात तो सही है। यहाँ पर सचिन भैया एक बार कहते हैं क्या कि घर पर किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया था। पहला क्वेश्चन लेते हैं, घर पर किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया था, कि हो सकता है कि कुछ लोग वीडियो बना रहे होंगे तो फ़ोन ऑफ आता है। पहली बात कि घर पर बहुत सारे फ़ोन होते हैं, आप भी समझ रहे हो कि नेहा दीदी उस वक्त तैयार हो रही होंगी, ठीक है, और उनके भैया भाभी के पास भी फ़ोन है, नेहा दीदी के पास भी फ़ोन है, मम्मी पापा के पास भी फ़ोन है, फ़ोन काफ़ी सारे हैं। उन्होंने कितनों पर कॉल किया कि किसी ने नहीं उठाया, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि 2 दिन पहले इनविटेशन मिला और ये सरप्राइज़ कहीं मुझे उल्टा ना पड़ जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले इनविटेशन मिला था, सारी चीज़ जल्दबाजी में हुई थी और शुरुआत में इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन 1 दिन पहले वो अचानक पहुँचते हैं और सोचते हैं सरप्राइज़ देने के लिए, मगर उनके दिमाग में क्या आता है और ये क्या कहते हैं कि ये सरप्राइज़ कहीं मुझे उल्टा ना मिल जाए, क्योंकि नए लोग हैं जो मतलब नेहा दीदी के ससुराल वाले के पक्ष है, वो नए हैं, वो क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, अचानक सरप्राइज़ देने पहुंच जाए तो वो क्या समझेंगे। ये कदाचित सचिन भैया के ऊपर एक और सवाल खड़ा कर रहा है कि जो इशू गणगौर के वहाँ पर ये सचिन भैया गए थे वो क्या इनको जानते थे। ये तो फिर भी 1 दिन पहले 2 दिन पहले इनविटेशन मिला भी था, अगर ये पहुँच भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनविटेशन मिला था और अच्छे तरीके से मिला था, तो सरप्राइज़ कैसा, जबकि इनविटेशन तो था ही। लेकिन अगर इसी इनविटेशन और सरप्राइज़ की बात करें तो सरप्राइज़ तो वो था जहां पर सचिन भैया बिना मतलब तुरंत कुछ ही पल आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, कहां पर, इशू गणगौर जी के पास, जबकि उनको तो वो ना तो पर्सनली जानते थे, ना उनसे बातचीत होती थी, कुछ नहीं होता था, कुछ समय बातचीत हुई, दोस्ती हुई, पहुंच गए वहां, सरप्राइज़ के बारे में इनको सोचना चाहिए था, वो यहां भी फंसते हुए दिखाई दिए। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो आगे क्या कहते हैं कि नीतू दीदी को कॉल किया तो वो बोली कि मैं अभी पहुंची नहीं हूं।
ये गौर करने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। नीतू दीदी को इन्होंने शायद हो सकता है दो बार कॉल किया हो। पहली बार इन्होंने कॉल किया तो इन्होंने कहा मैं पहुंची नहीं हूं, और दूसरी बार इन्होंने दो बजे भी बोला कि दो बजे कॉल किया, लेकिन उसके बारे में उन्होंने डिटेल नहीं बताया। अब समझने आने की कोशिश कीजिएगा। नेहा दीदी का टाइमिंग मैंने क्या बताया था, परछाई के अकॉर्डिंग या दुकानों के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 बजे के आसपास का समय था, उस बीच में पहुंचे हैं। यानी कि नीतू दीदी, अब नेहा दीदी, अब यहाँ इस वीडियो में देखो, नेहा दीदी जब पहुंची है तो नीतू दीदी पहले से वहां पर प्रेजेंट है। यानी कि नेहा दीदी अगर 11:30 बजे पहुंची है तो सचिन भैया का कॉल, सचिन भैया ने कहा था कि मैं दोपहर को उठा था, दोपहर का मतलब हो गया 12 बजे के बाद, और 12 बजे से पहले अगर दी पहुंची है तो उससे पहले यहाँ पर नीतू दीदी मौजूद है। यानी कि अगर सचिन भैया ने बाद में कॉल किया है तो भी नीतू दीदी पहले से मौजूद थी। अगर सचिन भैया ने 2 बजे के आसपास कॉल किया था तो 2 बजे से पहले तो नेहा दीदी उससे पहले आ चुकी थी, उससे पहले भी तो नीतू दीदी मौजूद थी। तो नीतू दीदी ने कैसे बोल दिया कि मैं तो आई नहीं, पहुंची नहीं हूं अभी, जबकि नेहा दीदी से पहले नीतू दीदी वहां पर पहुंच चुकी थी। यहां सचिन भैया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि नीतू दीदी ने भी कॉल नहीं किया मेरे को। नीतू दीदी ने कॉल वापस, मान लेते हैं कि वो कॉल किया होगा सचिन भैया ने, अब नीतू दीदी ने वापस कॉल नहीं किया, क्यों, शूट कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। पर यहाँ तो नीतू दीदी ये नेहा दीदी के अगल, मतलब भाभी के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। जब तक नेहा दीदी का पंडित जी ने मंत्र जाप किया तब तक नीतू दीदी वहीं बगल में बैठी हुई है, हाथ में उनका बैग भी है। अब इस वीडियो को देखो, यहाँ पर नीतू दीदी के पास मोबाइल है, और तो और आप यहाँ देखो ना कि नीतू दीदी तो के फ़ोन में, अब आप देख सकते हो मेरे ख्याल से फेसबुक ऑन है। ऐसा भी नहीं है कि नीतू दीदी का मोबाइल फ्लाइट मोड पे था, नीतू दीदी के मोबाइल में साफ साफ जहां तक मुझे पता है ये फेसबुक का प्रोफाइल जो दिख रहा है, ये फेसबुक का अपलोडिंग का है, तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि नीतू दीदी के मोबाइल में फ़्लाइट मोड नहीं था। इस बीच में क्या नीतू दीदी ने अपना मोबाइल नहीं देखा, दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, उस बीच में क्या नीतू दीदी ने अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं देखा होगा, जबकि उनका फेसबुक ऑन है, ऑब्वियसली 110% देखा होगा। यहाँ पर एक जगह वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगला देखो, लिखा कि 4 बजे के आसपास कॉल आने लगा, 4 बजे के आसपास सबका कॉल आने लगा, कि 4 बजे के आसपास सबका कॉल आ रहा है, तो क्या इसका मतलब कि 4 बजे से पहले किसी ने मोबाइल ही नहीं देखा क्या? मैंने अभी आपको बताया नीतू दीदी का इंटरनेट ऑन है, शाह साहब बगल में नीतू दीदी का फ़ोन भी है, और नेहा दीदी का शूट हो रहा है, नेहा दीदी के किसके मोबाइल से, अब मान लेते हैं कि अभय जी के मोबाइल से उनका शूट हो रहा होगा, बाकी सारे मोबाइल तो ऑन ही हैं, सब ने कहाँ व्लॉग बनाया नीतू दीदी के, तो आप जा करके देखना नीतू दीदी के फेसबुक ये यूट्यूब पर नेहा दीदी के एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं है। तो ये भी बात गड़बड़ हो रही है, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर हम बात करें फाइनल बात की, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया कि सचिन भैया ने अपने ही यूट्यूब के कवर पेज से, कवर जो फोटो था, कवर फोटो से नेहा दीदी के फोटो को रिमूव कर दिया है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नोटिस किया मैंने, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन भैया रियल में अपने आप में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है, देखो मैं उनके रिश्तों को बदनाम नहीं कर रहा, अभी भी बता रहा हूँ, उनके रिश्तों को बदनाम नहीं कर रहा, और सचिन भैया भी खुश थे, वो जाकर जबलपुर में दिया जलाकर आए हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये गलत टाइम पर हो रही है। सचिन भैया का बीमार पड़ जाना, रोने लग जाना, प्रोफाइल से फोटो हटा देना, और कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट करके बोलना जो कि उनके व्लॉग से मैच ही नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और इसी वजह से पब्लिक क्वेश्चन कर रही है। आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं रिश्तों के रॉक स्टार के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय श्री राम।